दोस्तों, भारत के साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए अमेरिका पिछले कुछ समय से काफी कोशिशें कर रहा है, लेकिन अक्सर कोई न कोई ऐसी घटना हो जाती थी जिसकी वजह से दोनों देशों के संबंध बैकफुट पर चले जाते थे। लेकिन इस बार मात्र 90 दिनों के अंदर अमेरिका एक इतना बड़ा फैसला ले सकता है जो भारत और अमेरिका के डिफेंस पार्टनरशिप को हमेशा के लिए पक्का कर देगा। और अगर ये डील हो गई तो आने वाले 15 से लेकर 40 साल तक अमेरिका भारत का सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर भी बन सकता है, जिसका असर हमें दोनों देशों के बिजनेस ट्रेड रिलेशन पर भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि अमेरिकन गवर्नमेंट आने वाले 3 महीने यानी कि 90 दिनों के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को जेट इंजन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर अप्रूवल को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकती है जो पिछले कई महीनों से अटका हुआ है, क्योंकि अमेरिका भी भारत के साथ इंजन और फाइटर जेट के क्षेत्र में पार्टनरशिप करने को लेकर काफी इंटरेस्टेड नजर आ रहा है। लेकिन एक्सपोर्ट कंट्रोल और लाइसेंस रिक्वायरमेंट की वजह से अभी तक अमेरिकन सरकार ने जनरल इलेक्ट्रिक को ऑफिशियल परमिशन नहीं दी थी, जिसकी वजह से जीई भारत को पहले F414 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर सकी। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल परमिशन का ये अड़ंगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से हटेगा, बिल्कुल वैसे ही जनरल इलेक्ट्रिक भारत को F414 इंजन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी थमा देगी, जिसका इस्तेमाल करके हम देश के अंदर इन इंजन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को शुरू कर सकते हैं, जो हमारे तेजस मार्क टू फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तेजस मार्क टू में F414 इंजन का ही इस्तेमाल किया जाएगा जिन्हें स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चर किया जाना है। ऐसे में अगर सही समय पर ये डील हो जाती है और भारत इन इंजनों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देता है, तो हम साल 2024 के अंत तक तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप रोल आउट कर सकते हैं, जिसके बाद 4 साल की टेस्टिंग के बाद ये एयरक्राफ्ट 2028 तक मास प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा, जिसके 108 यूनिट खरीदने का वादा भारतीय वायुसेना पहले ही कर चुकी है। साथ ही ऐसे 70 एयरक्राफ्ट बाद में भी खरीदे जाएंगे, यानी भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 2 के कम से कम 170 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर देने वाली है, जो एक काफी बड़ा ऑर्डर वॉल्यूम है। इसी वजह से इस एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन रेट भी ज्यादा हो सकता है, जो हमारी मौजूदा रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए काफी जरूरी है। साथ ही बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक से भारत को जिस इंजन की टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, उसका इस्तेमाल हम एमका के मार्क 1 एयरक्राफ्ट में भी करेंगे। ऐसे में अगर 90 दिनों के अंदर अमेरिकन सरकार की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर ऑफिशियल परमिशन दे दी जाती है, तो इससे अमेरिका भारत के साथ अगले कई दशकों के लिए एक मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप की नींव रख देगा, जिसकी बुनियाद सबसे एडवांस और कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी, जो न कि सिर्फ अमेरिका पर भारत का भरोसा बढ़ाएगा, बल्कि इससे इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में हम खुलकर चीन के खिलाफ अमेरिका का समर्थन भी कर सकेंगे। मतलब ये डील दोनों ही देशों के लिए काफी अच्छी होगी। बता दें कि सिर्फ शुरुआती 15 सालों में F414 इंजन के 200 यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी, जो आने वाले 40 साल के पीरियड में 600 इंजन तक जा सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि अमेरिका अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है ताकि भारत के साथ जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर होने वाली ये डील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका विजिट से पहले कर ली जाए, ताकि जब जून या जुलाई के आसपास पीएम मोदी अमेरिका का दौरा करेंगे, तब दोनों देशों के संबंध एक बिल्कुल नए लेवल पर होंगे, जिसका इस्तेमाल करते हुए ट्रेड और बिजनेस के मामले में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बता दें कि 14 जुलाई को फ्रांस के पेरिस में होने वाले मिलिट्री परेड के लिए भी पीएम मोदी फ्रांस का दौरा करेंगे, यानी आने वाले कुछ महीने कूटनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण होंगे। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर डीआरडीओ की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी वी शॉर्ट का डेवलपमेंट कर रहे थे, उसे 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में विकसित करेंगे, ताकि इसका इस्तेमाल ज्यादा बड़े एरिया में आसानी से किया जा सके। वहीं पर जो 2 कॉन्फ़िगरेशन बनाए जाएंगे, उनमें पहला सिस्टम एक ट्राइपॉड आधारित सिस्टम होगा, जिसके अंदर थर्मल इमेजिंग कैमरा और कई अलग अलग तरह के सेंसर लगे होंगे, जो उसे दिन और रात दोनों वक्त पे ऑपरेशनल बनाएंगे। साथ ही सिस्टम में एक ऑटो ट्रैकर भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जो हमारी मिसाइल की हिट प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने में मददगार साबित होगा, और इस सिस्टम में वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी मौजूद होगी। वहीं पर जो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन डेवलपमेंट किया जाएगा, वह एक शोल्डर फायर सिस्टम होगा, जिसके इस्तेमाल से हमारे सैनिक एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन जैसे कई अलग अलग तरह के हवाई खतरों को तबाह कर सकेंगे, जो फिलहाल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षमता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आने वाले छोटे ड्रोन एक काफी बड़ी समस्या बन चुके हैं, जिनका इस्तेमाल सिर्फ अटैक के लिए ही नहीं बल्कि गैर कानूनी पदार्थों और हथियारों की तस्करी में भी किया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से भारत को अमेरिका और फ्रांस में से किस देश को इंजन डील के लिए चुनना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।